माइकोलाइव में रीजनल हेडक्वार्टर पर दागा रॉकेट, 12 की मौत, 33 लोगों के घायल होने की खबर। देश में नहीं थम रही महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के दामों में फिर हुआ इजाफा, 80-80 पैसे प्रति लीटर हुई बढ़ोतरी। विधायक डॉक्टर हीरालाल की सौगात, मनावर में खुला निशुल्क पुस्तकालय, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी सहायता। रायपुर में 9वीं और 11वीं की परीक्षा होगी ऑफलाइन, एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स, 14 मई से शुरू होगा नया सत्र। और नैनपुर में युवक की सड़क हादसे में मौत, घर वापसी के लिए बाइक से जा रहा था नागपुर, पुलिस ने की मृतक की शिनाख्त। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने एक यात्री को जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामला देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का है, जहां सुरक्षाकर्मी के मुताबिक यात्री अतुल उपाध्याय बेंगलोर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। वहीं सुरक्षाकर्मियों की सूचना के बाद पुलिस ने यात्री को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। कल एक यात्री हैं, अतुल पिता शंभु शरण उपाध्याय, ये सीहोर के रहने वाले हैं। ये यहाँ से यात्रा कर रहे थे बेंगलोर के लिए, और ये पेस्टिसाइड कंपनी है सिजेंटा लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, इसमें काम करते हैं। इनकी मीटिंग के लिए ये बेंगलोर जा रहे थे, और इनका जो वहाँ पे सर्चिंग होती है एयरपोर्ट पे, उसके दौरान इनके हैंड बैगेज में एक कारतूस मिला हुआ है। पूछताछ में तो अभी कुछ स्पष्ट उन्होंने बताया नहीं है, इसी के आधार पर उनका आज कोशिश करेंगे कि अगर एक दिन का रिमांड मिल जाएगा तो रिमांड करके पूछताछ करेंगे। मनावर में महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं ने विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा को 4 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, और उत्कृष्ट विद्यालय में 3 ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विधायक को अपनी मांगों से अवगत कराया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हालांकि विधायक अलावा ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया और कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराएंगे। कार्यकर्ताएं यहाँ पर आज ज्ञापन के लिए आई थी, और इनकी जो मांगे हैं ये पिछले कई दिनों से हड़ताल पे है, और इनकी मांगे हैं कि इनकी जो इनका जो वेतन है अभी 10,000 दिया जा रहा है, इस महंगाई के इस दौर में कम से कम 24,000 रुपये इनकी मांग होनी चाहिए, इनका वेतन होना चाहिए 24,000। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन कम से कम 24-25,000 किया जाए, साथ ही इनको नियमित किया जाए। अभी तक इनको नियमित नहीं किया गया है, इनको सिर्फ कार्यकर्ता का दर्जा दिया गया है। तो हम मांग करते हैं, मैं भी मनावर विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि आंगनवाड़ी प्रदेश की समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इनको नियमित किया जाए। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि हमें नियमित किया जाए, दूसरी मांग ये है कि हमें 10,000 सैलरी देते हैं, कार्यकर्ता को 10,000, सहायिका को 5,000, तो कार्यकर्ता की सैलरी 24,000 की जाए तथा सहायिका की सैलरी 18,000 की जाए। और तीसरी ये है कि हमारी जो बहुत सारी कार्यकर्ता है बुजुर्ग हो जाती है, 65 वर्ष की हो जाती है, तो उनको रिटायर कर देते, रिटायर के बाद में हमें कोई पैसे नहीं देते हैं। कोरिया जिले के भरतपुर में किसानों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और मुआवजा नहीं मिलने पर जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि जनकपुर से कोटा डोल मार्ग का निर्माण कार्य साल 2010 में पूरा हो चुका है, जहां सड़क चौड़ीकरण के लिए समय लगभग 465 किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी। वहीं 12 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने जल्द से जल्द राशि स्वीकृत करने का आश्वासन दिया है। हमारे हक नहीं कर रहे हैं, ताकि वो पिछले जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने सभी किसानों ने चक्का जाम किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं भी विधायक बनता हूँ, या तो हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले पैसा दो, हमें हमारा पैसा दो, किसान मोर्चा, किसान मोर्चा, किसान मोर्चा।
किसान होने का दिनांक नहीं बता पाऊंगा पूरा कन्फर्म, लेकिन अभी 2 महीना का मैं समय दिया हूँ। प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे और जल्दी से जल्दी किसानों का भुगतान हो जाए करके, ये मैं कोशिश। जनकपुर के जो कोटा टोल पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो सड़क बनाया गया था 2010-11 में, उसका मुआवजा नहीं मिलने से किसानों के द्वारा आज धरना प्रदर्शन प्लस चक्का जाम किया गया है। तो अभी SDO PWD के द्वारा जानकारी दिया गया है कि इनका जो मुआवजा प्रकरण सब रेडी है और वित्त विभाग में मंत्रालय में लंबित है और पुनरीक्षित प्रसाद की स्वीकृति के लिए कल रायपुर जाएंगे और इनके द्वारा 2 माह का समय लिया गया है पुनरीक्षित प्रसाद की स्वीकृति। महासमुंद के वन परिक्षेत्र पिथौरा से दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां वन परिक्षेत्र में भीषण आग से हड़कंप मच गई। वहीं सूचना मिलने के बाद भी दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने नहीं पहुंचे। आपको बता दें कि DFO पंकज राजपूत से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। मौके पर पहुंची खबर भारत की टीम ने जब फायर वॉचर से संपर्क किया तो स्थानीय लोगों से पता चला कि फायर वॉचर कभी भी ड्यूटी पर नहीं रहता। मंदसौर में राजमार्ग और बार बार टेंडर आप निरस्त होने को लेकर कांग्रेस ने धरना दिया, जिसे लेकर कांग्रेसियों का कहना है कि इस रोड पर मंडी है जहां लोग दूर दूर से माल बेचने आते हैं, जिससे उन्हें परेशानी होती है, इसलिए मार्ग का जल्द निर्माण होना जरूरी है। शहर ब्लॉक कांग्रेस के आज ये मंडी सड़क को लेकर धरना दिया जा रहा है और इस मंडी सड़क में पहले भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और वो पूरी नहीं हो पाई और फिर नया टेंडर हुआ, वो भी भ्रष्टाचार के कारण निरस्त हो गया। पहले जो हुई थी सड़क, हमारा BPL चौराहे से लेकर काबरा पेट्रोल पंप तक की सड़क बन रही थी, लेकिन गुजरात की उस कंपनी ने जब SP बंगले तक का काम किया और पैसे लिए मांगे उसने अपने, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पैसे देने से मना कर दिया, मतलब उसको बहुत परेशान कर दिया। वो अपना गिट्टी का प्लांट, डामर प्लांट लेकर वापस गुजरात चले गया और उसने रो के मुझे अपनी फरियाद करी थी। नरसिंहपुर में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर नाचते हुए फायर कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक युवक सट्टे का काम करता है। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा और वक्त भी हमारा होगा। मौत को खौफ खांदे कादा बल्ले आज ना लेगी हुंदी है। जी एक वीडियो एक संज्ञान में आया है, जो कि बताया जा रहा है कि कोई गोटे गांव में कोई व्यक्ति है उसका है, जिसमें कि कोई पिस्टल नुमा हथियार जो है उसे फायर करता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में जो है अभी हम लोग जांच कर रहे हैं कि ये उसका घटनास्थल और वो व्यक्ति द्वारा कब ये वीडियो बनाया गया है और यदि इसमें कोई अपराध संज्ञेय अपराध की इसमें जानकारी मिलेगी तो उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। राजधानी रायपुर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सेंट्रल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बी सान्याल ने कहा कि मोदी सरकार की नीति मजदूर, किसान, छात्र और आम जनता विरोधी है, इसलिए लोग मोदी सरकार के खिलाफ है। हमारे हड़ताल किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमारे हड़ताल सरकार की नीति के खिलाफ है। हमारे मुद्दे के पीछे के जो रणनीति है उसको हम पहचानते हैं और उसे क्यों लागू किया जा रहा है ये भी हम जानते हैं। किसान आंदोलन हुआ, उनको मजबूर होके वो कानून वापस लेना पड़ा, लेकिन अभी तक वो संपूर्ण रूप से सेटल नहीं हुआ। मोदी सरकार, मोदी अभी भी बोल रहा है कि मैं उनको समझा नहीं पाया, इसके मतलब बेईमानी है। उसके जैसा बेईमान आदमी मैं ज़िंदगी में नहीं देखा। इस देश के प्रधानमंत्री हो और तुमको पता है कि क्यों ये लोग हड़ताल में है और उसके बाद बोल रहे हो कि उनको समझा नहीं पाए। रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, जिसमें भाजयुमो अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि सरकार के खिलाफ
नए आंदोलन पार्टी जो प्रदेश संगठन से प्राप्त हुई है, जिसको लेकर क्रमबद्ध आंदोलन सारे जिलों में किया जाएगा, जो मंडल स्तर से शुरू होकर विधानसभा और विधानसभा के सभी जिले तक होगा, वहीं इसके बाद पूरे प्रदेश में किया जाएगा। आज प्रदेश की पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक है और इस बैठक में एक नया एजेंडा हम लेकर के अभी जो है कार्य योजना को आज इस बैठक में इम्प्लीमेंट करेंगे और एक सरकार के खिलाफ जो नया आंदोलन पार्टी प्रदेश के संगठन से हमें प्राप्त हुआ उस आंदोलन को इस बैठक में हम अभी विस्तार देने वाले हैं। इसके बाद जो क्रमबद्ध जो आंदोलन है वो सारे जिलों में मंडल स्तर से चालू होकर विधानसभा तक के, विधानसभा से जिला और जिला के बाद रायपुर राजधानी में एक बड़ा प्रदर्शन करने की भारतीय जनता युवा मोर्चा की तैयारी, उस संदर्भ को लेकर आज की बैठक प्रदेश कार्यसमिति की द्वितीय बैठक आज आयोजित है। भोपाल की डॉक्टर उषा शर्मा ने परिवार समेत राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मध्य प्रदेश शाखा कार्यालय में शिरकत की और वहां के विद्यार्थियों को ब्रेल लिपि में तैयार रामचरितमानस का वितरण किया। बता दें कि डॉक्टर उषा जानी मानी गायिका, चित्रकार, कवित्री। इस मौके पर छात्रों ने डॉक्टर उषा के द्वारा सिखाया गया एक खूबसूरत गीत भी प्रस्तुत किया है। रतलाम जिले के आलोट में कृषि उपज मंडी आलोट में किसानों ने जोरदार हंगामा किया। दरअसल कृषि मंडी में इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में किसानों की उपज तोलते समय 50 किलो का फर्क आ रहा था। किसानों ने बताया कि कुछ किसान अपनी उपज घर से ही तोल कर लाए हैं, लेकिन यहां तोल में 50 किलो कम आ रहा है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन समेत एसडीएम मनीषा वासकेल ने समझाइश देकर किसानों को शांत कराया और तोल कांटे में किसानों की उपज का तोल भी करवाया। आपको बता दें कि पहले भी इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई हो चुकी है। मामला कांटे में गड़बड़ी है, 50 किलो गेहूँ कम आए, 13.5 क्विंटल लेके आए तो 13 क्विंटल ही बता रहा है कांटा। घर से लाए अभी आपके पास कांटा। कितना क्विंटल गेहूँ लाए थे? 13.5 और यहाँ आपके कितना बता रहा है? मेरा 13 कांटे में। हमारा ट्रैक्टर था, उसमें ट्रैक्टर हमारा 36 क्विंटल 90 किलो का था, दूसरे कांटे पे मैं इस कांटे पे लाके तोला, हमने 36-75 बताया। उस टाइम हमको पता पड़ा कि हमारा ट्रैक्टर 15 किलो के हम कैसे निकला, हमने इसकी पड़ताल उसकी जांच की हमने, तो मैं खुद खड़ा हुआ इसके ऊपर कांटे के ऊपर, तो मेरा 90 किलो वजन था तो मेरा 80 किलो बताया इन कांटे ने, जिसके बाद इनके ही बाढ़ थे यहाँ के। रतलाम में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सभी किसानों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं बीमा कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन भी किया। आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री के फसल बीमा राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से पात्र किसानों के खातों में राशि का अंतरण किया था, लेकिन कंपनी ने किसानों के खाते में उनके हल्के में हुए नुकसान के अनुपात में बहुत ही कम बीमा राशि डाली है। इतना ही नहीं, कंपनी ने कहीं कहीं तो एक ही पटवारी के हल्के में प्रति हेक्टर अलग अलग बीमा राशि डाल दी है, जिससे लगता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा कंपनी अनियमितता कर रही है। भारतीय किसान संघ ने बीमा कंपनी का पुतला जलाया। इसका कारण ये है कि जो हमें 2020-21 का जो खरीफ और रबी का जो बीमा मिला है वो अनावरी के आधार पर नहीं मिला है, और अभी तक पूरे प्रदेश में ये जानकारी खुली नहीं हो पाई है कि बीमा किस आधार पर किसानों को मिला है। और हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ था 70-90%, और हमारे यहाँ जो बीमा आया है वो 15-20% के आधार पर आया है। तो इसका कारण क्या है और इसकी पूरी जानकारी आज तक बीमा कंपनी ने मध्य प्रदेश में किसी भी जिले में उपलब्ध नहीं कराई है। शिवपुर जिले के तेंदुआ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस वाहन में थाना प्रभारी मुकेश दुबौलिया भी मौजूद थे। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर चालक ने अचानक से ट्रैक्टर मोड़ा, जिससे यह बड़ा हादसा हो गया। तेंदुआ थाने से सुबह मैं अपने स्टाफ के साथ
इलाका बढ़ाने जा रहा था, तभी अचानक खरई बाईपास के पास एक ट्रैक्टर अचानक गाड़ी के सामने रॉन्ग साइड में घुस गया रोड के दूसरी तरफ जाने के लिए, और गाड़ी टकरा गई। ट्रैक्टर और गाड़ी दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। स्टाफ जितेंद्र सोनी हवलदार हैं उनके सीने में और सीने में उनकी चोटें आई हैं, घबराहट और श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है। सिंगरौली के एनसीएल में दो साल पूर्व एचसीएमएस भर्ती घोटाले की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस घोटाले की जांच एनसीएल ने अपने स्तर पर की थी, जिसमें सभी को क्लीन चिट दी गई थी। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि एनसीएल के एचईएमएस ऑपरेटर भर्ती ने पैसे लिए हैं और अयोग्य व्यक्तियों को रोजगार दिया है, जिसके बाद एक बार फिर जांच शुरू की गई है। जैसा कि आपको पता है कि 2020 में एक एचईएमएम ऑपरेटर भर्ती हुआ था, जिसमें बच्चों और अभ्यर्थी जो थे उनके द्वारा बताया गया कि ये घोटाला इसमें हुआ है, और धरना प्रदर्शन भी किया गया था जिसमें आपके द्वारा लगातार कवरेज भी किया जा रहा था। इसी को लेके हम लोग आज पिछले 1.5 सालों से हमारी आम आदमी पार्टी महिला जिलाध्यक्ष के द्वारा लगातार भोपाल और दिल्ली में शिकायतें की जा रही थी। एक उम्मीद की किरण अभी 11 मार्च को जगी, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स की एक गठन हुआ था, बताया गया कि और स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा एक लेटर जारी आया महिला जिलाध्यक्ष के पास, उनके द्वारा ये बोला गया कि आप लोग समय दें और आप लोगों का इस भर्ती घोटाले के लेकर बयान होने वाला है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।